Hey guys, this is Jatin and you are watching Bollyviews. In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide Box Office Collection of Bollywood film Bala. Bala जो रिलीज हुई थी 8 नवंबर 2019 को, ये एक बॉलीवुड सोशल प्रॉब्लम कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई थी। रेटिंग रिव्यूज काफ़ी अच्छे दिए गए थे। फिल्म के डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजान, इसके राइटर की बात करें तो वो हैं नीरेन भट्ट। अब आते हैं कास्ट पर, तो फिल्म के अंदर आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर एंड यामी गौतम तीनों लीड रोल में नजर आए थे। लेकिन बात करें सपोर्टिंग रोल, तो सपोर्टिंग रोल में जावेद जाफरी, सौरभ शुक्ला एंड सीमा पहावा तीनों सपोर्टिंग रोल में देखने को मिले। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफ़ी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। अब ये जो फिल्म है बाला, ये आयुष्मान खुराना एंड भूमि पेडनेकर इन दोनों की एक साथ थर्ड फिल्म है। इससे पहले दोनों ने साथ में काम किया था दम लगा के हईशा, जो आई थी साल 2015 में, जो भूमि पेडनेकर की डेब्यूट फिल्म भी थी। इसके बाद दोनों ने साथ में काम किया शुभ मंगल सावधान, जो आई थी साल 2017 में। वही बात करें आयुष्मान खुराना एंड यामी गौतम, तो ये इन दोनों की एक साथ सेकंड फिल्म है। सबसे पहले दोनों ने साथ में काम किया था विक्की डोनर में, जो आई थी साल 2012 में, जो इन दोनों की डेब्यूट फिल्म भी थी। अब अगर मैं बाला की स्टोरी की बात करूं, तो आई थिंक आप सभी को फिल्म की स्टोरी तो पता होगी, जहां पर आयुष्मान खुराना बहुत ही कम एज में एक घंजेपन का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है। उनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, हर कोई उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अब आयुष्मान खुराना किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आपको एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं स्क्रीन काउंट्स की, तो फिल्म को इंडिया में टोटल 3000 स्क्रीन्स इंडिया में दिए गए थे, इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 550, यानी कि दोनों को इंक्लूड करके फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3550 स्क्रीन्स दिए गए थे, 3550। और पहली बार आयुष्मान खुराना की किसी फिल्म को इतने ज़्यादा स्क्रीन काउंट्स पे रिलीज किया गया था। अब बात करते हैं कलेक्शंस की, तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 116 करोड़ 80 लाख रुपए का, 116 करोड़ 80 लाख का। इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स यानी कि GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो हुआ था 139 करोड़ 5 लाख रुपए का, 139 करोड़ 5 लाख का। अब इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट में 32 करोड़ 43 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी, 32 करोड़ 43 लाख की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 171 करोड़ 48 लाख का, 171 करोड़ 48 लाख का। रही बात बजट, तो इसका जो बजट है वो है 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के आसपास का, 25 to 30 करोड़ के आसपास का। अब चाहे आप इसका बजट 25 करोड़ लेके चलो या फिर 30 करोड़ लेके चलो, फिल्म की वर्डिक्ट सेम है, यानी कि बजट से फिल्म की वर्डिक्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। जो 25 करोड़ में मिली है वही 30 करोड़ में भी मिली है। और वर्डिक्ट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म बाला इसका जो भी कलेक्शन था उस पर्पस पे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट दी गई थी, यानी कि बाला की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। रही बात गानों की, तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 5 गाने थे और गानों को कंपोज किया था सचिन और जिगर की जोड़ी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।